हाय मेरा बेचारा नरू, ले ठंडा पानी पी ले। फूल से खिले चेहरे वाला लड़का और पीले पत्ते की तरह मुरझा गया है। पीले? हाय भगवान, बुढ़ापे में हाथ भी इतने कमजोर हो गए हैं कि कुछ भी ठीक से पकड़ ही नहीं पाते। कोई बात नहीं बुआ सा, मैं अभी काम खत्म होने ही वाला है, मैं अंदर जाके पी लूंगा। काम खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो एक बहुत जरूरी काम बचा है। और नरू, तुझे ना गौ माता के गोबर के उपले बनाने हैं। वो आज घर में खास पूजा है ना, उसके लिए चाहिए। गोबर मैंने मंगवा लिया है, तू बस वो उपले बना देना। बुआ साहब, पापा जी उपले कैसे बनाएंगे, मैं बना देती हूँ ना। क्यों, इसके हाथ टूट गए हैं? पापा जी सुबह से गार्डन में काम कर रहे हैं, थक गए होंगे, और इतनी धूप में अगर उपले बनाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बुआ साहब, मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। मोम का नहीं बना तेरा ससुर, जो मिनटों में पिघल जाएगा। और ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ भीख में खाना मिलेगा। सुबह उस लड़की ने नीलम का काम बदलवा दिया और अब तू इसका काम लेना चाहती है। मैंने जिसे जो काम दिया है ना, वो वही करेगा। उपले नरू ही बनाएगा, जा जाके अपना काम कर। कोई बात नहीं बेटा, उपले ही तो बनाने हैं, मैं बना लूंगा। बचपन में काफी बनाए उपले, तुम जाओ बेटा अपना काम करो। अब आएगा मजा। क्या निहार के पापा उपले बना रहे? माँ, ये था प्लान तुम्हारा? हमें अपने ही घर में मालिक से नौकर बना दिया, इनकी इतनी बेइज्जती करा रही हो, ये प्लान है तुम्हारा? सॉरी माँ, लेकिन इस वक्त चीजें बर्दाश्त करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमें बुआ सा को यकीन दिलाना ही होगा कि हम सच में उनके गुलाम हैं। तभी वो शायद थोड़ी कमजोर होंगी और हम उन पे वार कर पाएंगे। माँ रुचिता सही कह रही है, सही कह रही है। माँ जी, दादी जी को प्लीज उनके कमरे में ले जाइए, काम करते करते बहुत थक गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दादी जी आप चलिए। खाटू महाराज, प्लीज जल्दी से बुआ सा का ये खेल खत्म कर दीजिए और इस घर की खुशियां वापस ले आइए। आ गए नरू तेरे विदेशी क्लाइंट। बदतमीज इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोबर फेंकने की? मिस्टर पुरी, मिस्टर नरेश, ये क्या बदतमीजी है? आप खुद तो गोबर बसाने में हैं और मेरे ऊपर भी गोबर फेंक दिया। नहीं नहीं मिस्टर पुरी, ये मैंने नहीं किया है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? माइक भी इसलिए कि आप ये सब अपने घर में ऐसा काम कर रहे हैं। वैसे एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि इंडियन आदमी बाहर शेर रहता है, लेकिन घर में उसकी औकात नौकर से भी बुरी होती है। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अपने घर में इस तरह गोबर से सना हुआ
किसी ने नहीं देखा होगा। इसका लाइव वीडियो बनाना तो बनता है। ये आदमी नरू का वीडियो इंटरनेट पे डाल देगा तो सारी दुनिया को नरू की सच्चाई का पता चल जाएगा। किसी के भी घर में आके इस तरह से आपको बिहेव करना शोभा नहीं देता। फोन नीचे रखिए प्लीज। मिस्टर गोयल, याद है आपने एक बार हमारी डील कैंसिल करा दी थी सिर्फ इसलिए कि गहनों में हमने सस्ते नग लगाए थे। आज मुझे आपकी बेइज्जती करने का मौका मिला है, मैं आपकी बात क्यों बांधू? देखिए आप हद पार गए मिस्टर पुरी। मुझे अपनी हद मत दिखाओ, तुम अपने हद में रहो। इस हालत में आप इस मकान के मालिक नहीं नौकर लग रहे हैं, इसलिए नौकर वाला एटीट्यूड रखो और मालिक वाली अक्ल छोड़ दे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज चले जाइए। गोयल साहब, आपका जो वीडियो वायरल हो रहा था ना, आप चेक कीजिए, वो लाइव हो रहा है। बिजनेस टाइकून गोबरमैन बन गया। और अब आपकी एक गोबर की बदबू से आपको पहचाना जाएगा। मैं भी लाइव आ जाता हूँ। ये लीजिए। हीरे बेचना छोड़िए, गोबर बेचिए। बाप आप कौन? अपना इंट्रोडक्शन मैं बाद में दे दूंगी आपको, पहले आप बताइए, आप लोग पापा जी के NRI क्लाइंट्स है ना? हाँ। सूट करता है आपको? सूट करता है ये देश छोड़कर भागना।